आज हम भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पंजाब की अमन शांति के लिए शपथ लेते हैं हिंदुस्तान की अमन शांति के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की। प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे मुख्य अतिथि को वैद्य से निभागे और ऐसे ग्रुप से अपने जितने भी पास के लिए सभी बच्चों को बोलो सभी आ जाओ, जितने भी बच्चे आए हो प्रदेश के लिए वो सभी ऊपर आ जाओ। एमएस बेटा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने कुछ शब्दों से इन बच्चों को आशीर्वाद दें, प्यार भरा स्नेह दें। मेरे बड़े भाई डॉक्टर सोमजी डाका, मेरे पुराने साथी और मेरे छोटे भाई सरदार बलविंदर सिंह जी काका, गिरधर साहब, प्रिंसिपल साहब और आने वाले इस भारत की रक्षा, भारत को मजबूत, भारत का भविष्य बनाने वाले मेरे बच्चों, मेरी बेटियां, मेरे बेटों, हमारे ये डिग्री लेने के वक्त या शिक्षा लेने के वक्त हमारे अंदर एक मकसद जरूर होना चाहिए कि हम शिक्षा इसलिए ले रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ मैं नहीं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मकसद होना चाहिए मैं भारत माँ के लिए क्या क्या करूंगा, मैं भारत माँ का नाम कैसे ऊंचा करूंगा, मैं अपने माँ बाप का नाम जो आपके माता पिता मेहनत मजदूरी करके चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे वो मीडियम वो अपने खून पसीने के कमाई से पैसे से बचपन से लेके आगे बढ़ाने तक आपको संस्कार देते हैं। क्यों देते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी बड़ी होकर के बड़ा होकर के कल्पना चावला की तरह जितने कलाम की वो बेटी जो इतने संक्षिप्त बढ़ करके अमेरिका के अंदर पूरी दुनिया में नाम ऊंचा किया था ऐसी बने ऐसा बने ये हर माँ बाप की एक इच्छा होती है और उनकी इच्छा को कभी हमें तोड़ना नहीं चाहिए। और क्या करता है जो दुनिया संसार चलता है हमारे कर्म माँ बाप के क्या है हमने क्या करना है। जम्मू कश्मीर से आया होगा तो कहीं और से आया होगा तो कैनाब से यहाँ शिक्षा लेने आया होगा तो मन के अंदर एक भावना है मैं डॉक्टर बनूंगा मैं सेंसर बनूंगा या मैं फौज में जाऊंगा या मैं फौज में जाऊंगी। मेरा मकसद देश होना चाहिए। जिस दिन आपका मकसद अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना, अपने पंजाब का, अपने स्टेट का, अपने भारत माता का नाम ऊंचा करना, भारत माँ आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, माँ बाप की दुआएं आपके साथ है, आप आगे बढ़ते हैं।